मेरे युवा केंद्र के आदरणीय श्री पांडे जी, मालवीय साहब और सभी युवा साथी हैं, मुझे प्रेम जी का आदेश हुआ है कि शिक्षा से संबंधित या युवा से संबंधित विषय पर कुछ मैं कहूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें विद्यार्थी कक्षा दसवीं बारहवीं के बाद ही बहुत ज्यादा तनाव में और ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं कि उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके कारण कई बार जैसे कक्षा दसवीं या बारहवीं के बाद माता पिता भी बच्चे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ झोंकते हैं और बच्चा भी उसमें लग जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वो परिवार जो रहता है अपना और उसके प्रति उसका लगाव कम हो जाता है, और जब वो बच्चा कुछ बनता है तो उस परिस्थिति में वो अगर मान लो देश में भी है या विदेश में भी गया है तो वो माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर वो अपने देश में भी है, किसी बड़े शहर में है, तो वहां ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है कि वो उनके लिए कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए, और सिर्फ माता पिता उसके लिए ही करने की स्थिति में रहते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप जहां पर भी जिस भी परिस्थिति में हो, अपने परिवार को, अपने देश को अपने हृदय में रखें और उसी के